अरे तुमको ऐसे बाहर निकला। माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज से हमारे यहाँ पितरपक्ष का पूजा होना शुरू हो गया है। एक दिन पहले से ही हमारे यहाँ पितरपक्ष का पूजा होता है। तो अभी पंडित जी तो आज नहीं आए हैं क्योंकि पंडित जी आज थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं। तो पंडित जी फोन पर ही आज अभिषेक के पापा का आज पहला पूजा करवाएंगे। तो अभिषेक के पापा अभी छत पर जाएंगे और पंडित जी फोन पर ही आज पूजा करवाएंगे अभिषेक के पापा से, और कल फिर पंडित जी आएंगे। और गाइस, जो पितरपक्ष का पूजा हो रहा है तो उसमें आज घर पे कुछ खाना वगैरह भी हम लोग बनवा रहे हैं, जो लेके जाएंगे हम लोग, जो मंदिर के आसपास जो लोग होते हैं उन लोगों को हम लोग खाना भी खिलाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में फिर हम और मैं और मम्मी अभी निकलेंगे अभी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या बन रहा है अभी। और दी आई हुई है तो ये बना रही हैं हमारे घर में खाना अभी। तो काफ़ी अच्छा है खाना यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये कचौड़ी वगैरह, कचौड़ी बन रहा है ना यहाँ पे? हाँ पूड़ी बन रहा है। पूड़ी है नहीं, कचौड़ी का तो है आटा, कचौड़ी बन रहा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कचौड़ी तल रही है, और यह कुछ डिफरेंट तरह का बर्तन है आज कचौड़ी तला जा रहा है। और देखिए इतना सारा कचौड़ी यहाँ पे बन भी चुका है। तो दी काफ़ी हेल्प कर रही है आज। और यहाँ पे देखिए क्या सब्जी क्या का बना दी, आलू गोभी। और ये देखिए आलू गोभी का सब्जी। और क्या क्या सेवई, ये सेवई है नहीं, सेवई उधर चावल। अच्छा, और ये देखिए ये भी सब्जी है, आलू बैगन। हाँ। अच्छा ये आलू बैगन का सब्जी है और इसमें आलू गोभी का सब्जी है। और इधर क्या है देख लिया जाए, और इधर देखिए सेवई बना है। तो इधर इतने सारे कुछ बन चुका है अभी सुबह सुबह। और फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, जब यहाँ पे घर पे पूजा हो रहा है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे जो मंदिर के आसपास जो लोग हैं उनको जाके हम लोग खाना खिलाएंगे। मैं और मम्मी निकलेंगे फिर थोड़ी देर में। तो चलिए अब मैं भी जल्दी से जाके रेडी हो जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ अच्छे से जाके फिर। तो गाइस अब पंडित जी भी आ चुके हैं बाबा, तो बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। बाबा आशीर्वाद भी दे दिए। और यहाँ पे अभी पितरपक्ष का जो पूजा का शुरुआत हो चुका है यहाँ पे, तो अभी पूजा करा रहे हैं बाबा यहाँ पे ऊपर में। थोड़ा देर ऊपर में पूजा होगा, फिर नीचे भी होगा ना बाबा पूजा। तो अभी ऊपर का जो भी पूजा है वो शुरू हो चुका है। पापा यहाँ पे बैठे हैं, तर्पण का काम। क्या तो बोलते हैं इसको पापा, तर्पण। तो तर्पण अभी चल रहा है ना, पितृ लोगों का तर्पण अभी होगा। अच्छा पितृ लोग का तर्पण अभी हो रहा है, तो बाबा काफी अच्छे से करवाते हैं अभी, और अभी करवा रहे हैं। निवासी शांडिल गोत्रस्य संतोष कुमार पुरी देव श्रमणस्य वार्षिकी देव। तो अभी पूजा चल रहा है अभी, तर्पण तर्पण संकल्पम संकल्पम। तो गाइस अब मैं भी नहा के रेडी हो चुका हूँ, और बाबा भी आ चुके हैं पंडित जी हमारे घर में, और पूजा करा रहे हैं। तो सारे लोग पूजा में कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अभी पूजा में बैठ के। और मैं आज कुर्ता भी पहना हूँ क्योंकि पूजा पाठ के दिन कुर्ता अच्छा होता है, धोया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, और हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है कुर्ता, तो मैं कुर्ता पहना हुआ। और यहाँ पे देखिए बाबा जी पूजा करा रहे हैं पंडित जी, और मम्मी यहाँ बैठी है। ग्रामे स्थाने निवासी सांडिल गोत्रस्य संतोष कुमार पुरी देव गए यहाँ पे। मिशु तुम भी बैठो पूजा में, आजा मिशु इधर आजा। तुम्हारे परदादा का पूजा हो रहा है, परनाना। हाँ परनाना, और हाँ परनाना का पूजा हो रहा है। आजा मिशु, परनाना का पूजा हो रहा है, परनाना छरनाना सबका पूजा हो गया है, जितने पितृ लोग हैं सबका आज होगा पूजा। देखिए मिशु को, मिशु नानू का नानू नानू देखिए चलेगा पापा के पास। नानू पूजा कर रहे हैं ना मिशु, मिशु पिता मम्मी देख परमाता बिल परमाता घर के छोटे लोगों के नाम से हार्दिक अपील दिए थे, वो प्रतिष्ठा आ जा। ओके ओके देखिए मिशु भी काफी ध्यान से पूजा को देख रही है, किस तरह से पूजा किया जा रहा है। विष्णु देव अपील दिए थे वो प्रतिष्ठा देख रही है नाना जी। नहीं मिशु पैर नहीं लगाते पिता। Yeah. आजा ऊपर आजा 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 मिशु माय का नाम
मिशु किसी तो किसे देवी सावित्री मिशु डरा रही है मुझे मिशु कैसे डराती है बाबू तो कैसे डराती है देखिए नानू के पास लिपट गई है जाके मिशु को देखिए नानू से लिपट गई जाके पूजा कर रहे हैं तो नानू को पूजा करने तो मिशु मिशु आ जा ऐसे नानी नाती कोई दिक्कत नहीं ये अधिकारी लोग मत डरा मत डर गया मिशु डर गया मिशु डर गया बहुत डर गया बाबू मिशु बहुत डर लग गया बाबू अब मत डराओ अब देखिए अभिषेक भी अपने पितरों को फूल करेगा अर्पण करेगा पुष्पांजलि करेगा अभिषेक का भी होता है दादा परदादा विद परदादा दादी परदादी विद परदादी कुल के छोटे बड़ा चाचा भाई भतीजा वगैरह हाँ बस पुनः फिर जल्दी दो ओम पुनः जलम आचमन्यम समर्पित जो अपने दादा दादी को जो इस साल में एक बार पितृपक्ष में जो ऐसो इनके पिताजी अभी पिंड प्रधान पुष्पांजलि वगैरह किए और ये भी अपने दादा दादी को पुष्पांजलि कर रहे हैं ओम मलिकादि सुगंधने मल्यातानि वै प्रभो म्यातानि पूजाता पुष्पाणि प्रतीयताम शांति गोत्रस्य दादा करम बाबा मम्मी का भी कुछ विधि है जो करवा रहे हैं का जो है सासू माँ के लिए अपना वस्त्र जो है सो ये जो है सो अपना दान के लिए लिए हुए हैं और अभिषेक जी हाँ बोलिए बाबा आप जो है सो हनी जैसे छूट गया है लेके आइए तो पहले अच्छा आते लेके हाँ, जाओ जल्दी आना लेके देर मत करना तो गाइज मुझे अब जाना है थोड़ा जो हनी होता है वो पूजा में चाहिए छूट गया तो मैं लेके आता हूँ गाइज मैं हनी लेके आ गया हूँ अरे तुम चप्पल पहन के आ गए चलो जाओ घर अरे तुम बाहर निकलो अरे चप्पल तो घर का है बाबा ये चप्पल तो बाहर रखो तो जाओ चप्पल पैर का चीज है बाहर जाओ पहन के घूम गया कहीं से तुम घुस गया अरे मैं गाइज देखिए यहाँ पे मम्मी अब हमारा जो खाना है पूजा के बाद ये तो ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि सुबह होता है ये तो लंच ही हो गया हमारा क्योंकि हमारा फास्टिंग था सुबह से और मम्मी देखिए यहाँ पे हमारा खाना लगा दी है और बाबा यहाँ पे बैठे हैं पहले पितरों लोगों के नाम से तीन निकले हुए हैं इसको कहते हैं गौ विहार स्वाम विहार ये हाँ हाँ ये पितृ लोग के नाम से तीन निकला है ना अच्छा जो खाएंगे एक गौ खाएंगे ये क्या क्या बोलते हैं एक गौ के लिए एक गौ के लिए है एक तो स्वानी कुत्ता के लिए है एक तो चिड़िया के लिए है अच्छा तो ये तीन निकला है जो पहले क्या भोजन कराया जाता तो उसके बाद हम लोग करेंगे ना हाँ, बाबा, ऐसे भी हम लोग कुछ नॉर्मली ऐसे भी पूजा करते हैं तो तीन जगह निकलता है ना कि गौ का और चिड़िया का और कुत्ता का ये सब निकलता ही है तो इसीलिए आज हम निकाल दिए हैं आप एक ऊपर में रख दीजिए और एक बाहर अपने गेट के पास जो कुत्ता खाएगा एक चिड़िया तो पापा भी जा रहे हैं रखने के लिए इसलिए और यहाँ पे बाबा बैठे हैं किस योरी में हुआ उसके अनुसार से सब तीनों जो तीन जगह निकाला जाता है तीन जगह निकाला जाता है तो गाय वाला भी निकाल के साइड कर दिए वो थोड़ी देर में ले जाएंगे क्योंकि पूजा के बाद ये लोगों को काफी कस के भूख लग गया और इंतजार नहीं होता भूख तो लग रहा है क्योंकि गाइस देखिए अभी ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका है 1:15 और अभी तक हम लोग कुछ भी खाए नहीं है तो अभी भूख काफी तेज का लगा है और मम्मी अभी खाना निकाल दी है तो अभी हम लोग सारे लोग बैठ के एक साथ अभी खाना खाएंगे हम लोग और मम्मी तुम हम खाएंगे हमको सबको पहले खिलाना है बताइए हम कैसे खाएंगे बाबा अच्छा तो मम्मी अभी हम लोगों को पहले खिला देगी उसके बाद मम्मी खाएगी और बाबा भी यहाँ बैठे खाने के लिए क्योंकि जब तक बाबा नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भी नहीं खा पाएंगे सबसे पहले बाबा को बाबा को सबसे पहले और मिशु को देखिए बाबा के साथ खेल रही है बाबा का छोटा फोन है देख के उसको छोटा फोन बहुत पसंद आता है मिशु को तो गाइज अब हमारा खाना लग चुका है अब हम सभी लोग अभी मिलके खाना खाएंगे अभी तो चलिए दिखाते हैं आपको खाना में क्या क्या है तो खाना में ये कचौड़ी है ये बूंदी रायता है और ये आलू बैंगन की सब्जी है ये आलू गोभी की सब्जी है
और ये सवई है जो सुबह दीदी आई थी वही सारा बनाई है। और यहाँ पे पापा और बाबा भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं यहाँ पे, तो सारे लोग हम लोग मिल के अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख काफ़ी तेज लगा है। बाबा आपको भूख तो बहुत लगा होगा, तेज वाला आ? लगा था भूख? सबका फास्टिंग हो गया ना आज, तो 1:30 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं आज। चलिए बाबा खा के बताइएगा, सब अच्छा बना ना? बहुत बढ़िया। कैसा बना है भोजन? बहुत अच्छा है। तो दीदी जो आई थी सुबह वही बनाई है पूरा खाना को, तो खाना सभी को अच्छा, बाबा को भी अच्छा लगा, पापा से भी चलिए पूछते हैं कैसा लगा। पापा कैसा लग रहा है आपको खाना? ठीक है, अच्छा है। तो चलिए पापा को भी अच्छा लगा है खाना। हम लोग तो पूजा में रहते हैं, पूजा की तैयारी में रहते हैं, तो इधर नहीं हो पाता, इसीलिए हम उनको बोले कि आप आके बना दीजिएगा, और अच्छे से बना भी दिए। सारा बना बना के घर रख के वो चले गए, तो पूजा पर से उठे और फिर हम इन लोग को। अब तुम भी कर लो, हमें अब खाना खा लो तुम भी। हम देख ले पहले सबको, घाटे उठेगा तो।